हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो जय माता दी? और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हूँ, जगह देवी ब्लॉक में। जैसे कि दोस्त लोगों, आज हम कहीं सफर में पहुँचे हुए हैं बहुत दूर, और बताते हैं आगे हम कहाँ पहुँचे हुए, कैसे पहुँचे हुए हैं। तो दोस्त लोगों, आप मेरे पीछे देखे होंगे, बहुत भीड़ लगी हुई है यहाँ। ना कोई बारात है, ना कोई काम है, ना कुछ है, लेकिन बहुत भीड़ हुई है यहाँ। बहुत भीड़ हुई है अभी घर के अंदर, और सारे घर के सदस्य हैं। और एक एक से मिलाऊंगी मैं बाद में। बस हमें कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, हम ऐसे ही। ऐसा लग रहा है जैसे कि घर के अंदर कोई बात होगी, लेकिन हम कहीं पहुँचे। बताती हूँ कौन कौन है, क्या है। ये तो ब्लॉग सारा अभी तो शुरुआत है दिन का, तो मैं तो सो के उठ रही हूँ। आपको पता है रात को बहुत ही गले में दर्द होता, व्रत रखे थे, मुँह मेरा उतरा हुआ है। बहुत दूर से हम सफ़र करके आए हैं, तो दोस्त लोग क्या कर सकते हैं। हम हमारे चाचा जी भी खड़े हो रखे हैं अभी तो। तो आपसे मिलाती हूँ नन्हे मुन्ने बच्चों से। बच्चे स्कूल को तैयार हो चुके हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। और अपना नाम बताएंगे, कहाँ ये रहते हैं वो बताएंगे। और बच्चा आओ, दोनों इधर आओ। हेलो भाई, बोलो। क्या नाम है तुम्हारा? बोलो। तुम्हारा नाम बताओ। शर्मा। का तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है और मम्मी पापा का क्या नाम है बताओ। अच्छा, और बुआ की चैनल को देखते हो तुम? अच्छा लगता है तो बोलो, उनसे कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। बोलो हमारी बुआ को, बोलो पहले, बोलो हमारी बुआ को। तो ये लम्बू कुसुम दिख रहा है जुड़वा जैसे, क्योंकि इसमें से बड़ा है ये और ये छोटा है, है ना? बड़ा यही है ना दादा, और ये छोटा है, और ये है लक्ष्मी। नमस्कार, दीदी हमारी यहाँ आई है, इनको लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और आगे पहुँचाना इनको, ठीक है? इनकी वीडियो जरूर देखना, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना के भेजती है। और ये क्या है, स्कूल का तैयार हो चुका है, क्या नाम है बेटा? सौरभ। और स्कूल का तैयार हो चुका है, चलो फिर मिलते हैं। और ये है रिया, एक लड़की है इनके घर में, पूरा इधर उधर एक ही कन्या पूरी ब्लॉग हो चुकी है। और ये है यूट्यूबर भाभी जी हमारी। सबको नमस्कार, बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीष। और मेरी नंद को लाइक कमेंट शेयर रोज किया करो, देखा करो। ये गांव का पूरा अच्छा अच्छा सीन दिखाती है, हम लोग भी बड़े खुश होते हैं। ज़्यादा नहीं रहता है, 10 मिनट बनाते हैं बस, थोड़ा सा जब फुर्सत। ऐसा है ना दोस्तों लोगों, हमारे घर में सब यूट्यूबर हैं, मेरी भाभी भी है, मेरी बहन भी है और मैं भी हूँ। तो ये तो बाहर का सीन सब कुछ दिखाते हैं, हम उतना नहीं दिखा पाते हैं। अपने घर की कहानी, बच्चे क्या कर रहे हैं। आज की डेट में बड़ा परिवार बहुत कम मिलते हैं, ज़्यादातर एक बार रहते हैं। तो बड़ा परिवार किस तरीके से रहते थे पहले के लोग, उसी तरीके से दिखाते हैं हम, उस तरीके से हम पहले पसंद करते थे। इन्होंने दुकान खोल दी यहाँ पे, और इतने घर घर की सब्जी लेके आए हैं। ये और चाचा जी को मैं पहले ही मिला चुकी हूँ, क्योंकि इनका ब्लॉग में डाल रखा है मैंने। और ये है हमारी बुआ अम्मा, ये है बुआ अम्मा हमारी। नमस्कार ईदा, सब खुश रहो, तुम सब हमार पहाड़ी देवी दोस्त। ये बिचारी खूब लाइक कर रही है, ये बिचारी सब कुछ काम है, सब बजट के काम है, गजट के काम है, सब कुछ भल कण पर लाइक रहे हैं।
खूब लाइक करिए। तो दोस्त लोग हमारे ना भी सुनेंगे तो अम्मा के अवश्य सुनना, इन्होंने जो कहा उस बात को गौर में रखना, क्योंकि हमारे माँ सुनना। और ये है शिवानी शर्मा। हेलो दोस्तों, ये हमारी दीदी हैं, इनके ब्लॉग को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओके, और इनके आए हैं हम खबर लेने। कैसे हैं जी? ठीक है तुम्हारी? क्या हुआ था, डेंगू हो गया था आपको? डेंगू? डेंगू है तो ठीक हो आप? हाँ जी बढ़िया है। ये है लब्बू के पापा, रिया रिया के पापा। तो इनकी तबीयत खराब हुई थी और माता रानी की कृपा से ये ठीक है और स्वस्थ हैं, आपके आगे हैं। उसको ये आ गया एक से। हेलो दोस्त लोगों, जैसे कि मैं आज दिल्ली पहुंची हुई अचानक कोई कार्य के लिए, अचानक ही पहुंची हुई हूँ क्योंकि किसी के साथ आई हूँ मैं, तो कोई पूजा का प्रोग्राम है लोगों का, तो इनके लिए एक रात के लिए आई हूँ। कोई ज़्यादा ना रात के लिए नहीं आया, क्यों लड़कियाँ रो रही हैं क्योंकि मेरे बच्चे बोले कि मम्मी हमारे वहाँ आ जाए, और हमारे वहाँ नहीं आ रही करके क्या कर सकते हैं। दोस्तों लोगों, आपको पता है कि जब किसी के साथ आए हैं तो हम आप लोगों के साथ कैसे जाएं। तो क्या पता एक तोता आया है यहाँ मेरी बहन के वहाँ, मैं इसको मिलने आई थोड़ा इधर, तो ये तोता मेरे पता नहीं किस रूम में आया है, इनके यहाँ रहता है, 6 महीने में चले गए थे, फिर से तोता यहाँ आ चुका है, तो पता नहीं कौन। तोता हूँ मैं, तोता हूँ, हरा रंग का होता हूँ, चोंच मेरी लाल है। अच्छा, ए मिठू मिठू चाहमा उन्हें हो मिठू को उन्हें जाओ मिठू। ये इसका तोता है देखो, नंदिनी का कितना सुंदर लग रहा है ये। क्या कर रही है ये? देखो ये नंदिनी का मकान है, हमारी छोटी बहन का, और ये देखो ये हमारी सोमिया है। सोमा हाँ? देखो रो रहा है। सोमा क्या कर रहे बेटा? ये देखो इसकी तबीयत खराब हुई है, स्कूल नहीं गई है बच्ची। ये एक कमरा ये रहा इनका, और ये 2 मंजिले में है, ऊपर नीचे भी कमरे हैं। ये रसोई है, अरे भी मिहान लगा कोई ले आई हो मेरी क्या बहुत यार, इन्होंने अचानक इन लोग 15 तारीख का प्रोग्राम बनाई है उसी का। ये देखो माता रानी का दरबार है, और सबसे ज़्यादा ये देखो ये कृष्ण का कन्हैया, ये हमारे कृष्ण का कन्हैया देखो। हेलो दोस्त लोगों, जैसे कि मैं पहुंची हुई हूँ बहन के घर में, अचानक पहुंची हुई हूँ क्योंकि इसको भी पता नहीं था मैं किस लिए आई हूँ करके, किसी को पता नहीं था, बच्चों को तक पता नहीं था, छोटे बच्चों को। और मैं अचानक कल 2 बजे गाड़ी बुक करी थी, रात 2 बजे हम यहाँ पहुँचे, तो सुबह मेरा कोई और काम था, इसीलिए मैं यहाँ भाभी के मम्मी पापा के साथ आई हूँ। तो उनके वहाँ आके सुबह उठ के नाश्ता करके मैं अपनी बहन के वहाँ आई हूँ, यहीं पर बगल में इनका इसका मकान है,
तो मैं तो इस कृष्ण कन्हैया को मिलने आई है। देखो तो छोटा सा लड्डू गोपाल है ये, और कितना सुंदर लड्डू गोपाल है और कितना सुंदर सजा रखा है, क्योंकि सारा काम छोड़ के इसी के पीछे बच्चे भी लगे रहते हैं और ये भी लगी रहती है। तो छोटा सा हमारा नंद लड्डू गोपाल कृष्ण कन्हैया। और क्या है भाई तेरा ये इधर, क्या है ये, भगवान है तेरा भाई है या तूने किस रूम में इसको कर रखा मानो? ये उसकी बहन लड़की है छोटी वाली हमारी सोमू, भाई भाई हाँ। तो इसको राखी बांधी थी उस दिन? अच्छा, सबसे पहले इसी को बांधी थी राखी हाँ। अच्छा, तो इसको नहलाता कौन है? मम्मी कभी हुई थी। तू नहीं नहलाती क्यों? मना। अभी मना करती हाँ। जब तू बड़े हो जाएगी तब करेगी ना। तो दोस्तों लोगों ऐसी है कि इसके मेरे जवाई जी मतलब मेरे ये सोमिया के पापा इस दुनिया में नहीं हैं, इसी वजह इन्होंने खुश रहने के तो हमेशा कितने तरीके हैं, लेकिन इन्होंने वृंदावन जाके कृष्ण कन्हैया को गोद लाए हैं और इसको अपने बेटी के रूम में, इन बच्चों के भाई के रूम में इन्हें अंदर इसका नामकरण संस्कार करके अपने घर में इनको अपने दिल के करीब जगह दी है। तो ये लोगों को ये पता नहीं है कि ये दो बहनें हैं, बड़ी वाली स्कूल गई है, छोटी मैंने आपको मिलाया है सोमिया से, तो तीसरा ये इनका भाई के रूम में है। तो माता रानी या मेरे कृष्ण कन्हैया इनका रक्षा करें, क्योंकि बच्चे हमेशा दुखी रहते हैं, वैसे भी दुखी रहते हैं, वैसे भी मार रहते हैं, तो इनका साथ रहे और इनके दुख को दूर करे। और जो जिस कृष्ण कन्हैया सारा जग को नचाते हैं और सारे जग का दुख दूर करते हैं, तो सबसे पहले जिन्होंने, क्योंकि हर एक ने हर प्रकार के रखा है, किसी ने भगवान के रूम में रखे हैं, किसी ने बच्चे के रूम में रखा है, किसी ने दोस्त के रूम में रखे हैं, किसी ने किसी प्रकार भी भगवानों का स्थापना घर के अंदर होता ही है, आप लोगों को पता ही है। तो इन्होंने अपने भाई के रूम में इसको रखा है, छोटे बच्चे हैं, तो इन बहनों की रक्षा करना इस कृष्ण कन्हैया से। और हम लोग भी इसको देख के, ये देखो कितना सुंदर है, ये झूला भी झूला, ये देखो ये क्या हो आगे से वो अच्छे, ये चैन है, वो कह रही है इस चैन से होता है, मतलब कोई चैन है ये झूला झुलाने वाला। तो इसको ये इसकी मम्मी दिवाली को लाई, कह रही है चैन को कितना सुंदर लग रहा है ना, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, और देखा है बिल्कुल वैसे करके। तो मैं आप जरा ऑनलाइन आती हूँ, कृष्ण कन्हैया को दिखा। हेलो दोस्तों, पूरा परिवार इकट्ठा है हमारा लगभग, क्योंकि थोड़ा बहुत नहीं होंगे, वो भी तो आ जाएंगे शाम तक। और दादा देखो अभी ड्यूटी से आ गए हैं, हाय हेलो दादा। और एक खटे है फल और बुआ अकेले खा रही है, ये इनके लिए ये हमसे ज्यादा पंडित है ना, इसीलिए हम कम पंडित हैं, और लेकिन ये बुआ ज्यादा पंडित है ना बुआ, तुमने देखा ही है ज्यादा पंडित गिरी, ज्यादा पंडित गिरी तेजी से आराम नहीं खाती हूँ। और ये देखो ये हमारा, क्योंकि ये है लहसुन वाला नमक, ये लहसुन नहीं खाते हैं। और देखो भाई दिल्ली के खाना, गोरे काले सफेद काले सब होते हैं, जो काला है वो भी गोरा हो जाता है। मेरे से आठ साल बड़े हैं दादा, सही बात है। कल रात जैसे कि मैं दिल्ली पहुंच गया अचानक, क्योंकि भाभी के वहाँ कुछ ऐसा प्रोग्राम था कि रात को पूजा करनी थी, तो हम कल रात दिल्ली पहुंचे थे और आ रात हम कल सुबह हम दिल्ली घर को जाएंगे।
एक रात के लिए मेरे भाभी के मम्मी पापा गाड़ी बुक करके लाए, तो मैं आपको अपने भाभी का दुकान, ये दुकान में खड़े हूँ, दिखाते हूँ किस मेरे भाभी ने दुकान कर रखी है, साड़ी का शोरूम है और बहुत कुछ है, तो मैं आपको अपने यूट्यूब द्वारा दिखाती हूँ। देखो ये है मेरी भाभी का, ये देखो ये सारी साड़ी पड़ी है, ये साड़ी सारी साड़ी के दुकान खोली है भाभी जी ने मेरी, एक से एक साड़ी है। देखो करो स्वाद के लिए, और दोस्त लोगों नेक्स्ट ब्लॉग पे नई चीज़ों के साथ मिलती हूँ। मैं हूँ अभी दिल्ली में छावला द्वारिका में, तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग नई चीज़ों के मिलूँगे। ओके बाय, बने रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और नेक्स्ट ब्लॉग पे मिलते हूँ।